उसने जिन कर्मचारियों को भेजे थे उसने वो लॉक खुला छोड़ दिया। बाद में उसने पैसा निकाल दिया और अब तक 27 लाख की रिकवरी हो चुकी है, 26 लाख रुपए बाकी को रिमांड पे लिया जाएगा। मशीन से रुपए चोरी करने वाले तीन चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो शातिर आरोपी हैं, जिन्होंने मौके की नजाकत का फायदा उठाकर लाखों डकारने की योजना बनाई थी, जो बड़े ही शातिराना तरीके से फिल्मी अंदाज में अपनी योजना को सिरे चढ़ाए करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि लाख छुपाओ छुप नहीं सकता, पाप हो कितना गहरा दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरे। ठीक ऐसे ही इनके चेहरे से भी नकाब हटा और रुपए लूट की वारदात में आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वाक्या पलवल सिटी थाना क्षेत्र के बड़े मोहल्ले का, जहां 9 जून की रात HDFC बैंक के ATM से 36,54,500 रुपए गायब हो। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने त्वरित कार्यवाही शुरू की, लेकिन पुलिस की जांच ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जांच में एक बात तो साफ हो गई थी कि ATM के साथ ना तो तोड़फोड़ हुई है और ना ही इसे गैस कटर से काटा गया है, यानी बिना ATM को क्षति पहुंचाए लाखों गायब हो गए हैं। ऐसे में शक की सुई ATM में कैश डालने वाले कर्मचारियों की तरफ घूम गई और पुलिस ने ATM में कैश डालने वाली SIS कंपनी के 5 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने जब जब इन 5 कर्मचारियों से सख्ती से पूछा तो ये टूट गए और न केवल अपना जुर्म कबूल किया बल्कि लाखों रुपए कैश भी बरामद करा दिया। कैश डिपॉजिट करने के लिए वैंस होती है जो एक साथ सभी ATM से पैसा जमा कराती है, तो उसने सिटी ATM में स्थित ATM में HDFC बैंक के ATM में पैसा जमा कराया 36 लाख रुपये। तो जो उसने जिन कर्मचारियों की ड्यूटी थी उसने वो लॉक खुला छोड़ दिया ताकि बाद में उसमें पैसा निकाल सके और बाकी वो साथियों दिखा दिया कि मैंने वो लॉक बंद कर दिया। वो वहाँ से चले गए सब। बाद में वो अपने दो साथी के साथ आता है एक घंटे बाद और 36 लाख रुपये उसमें से निकाल के चले जाते हैं। जैसे ही HDFC बैंक को ऊपर खबर मिलती है मुंबई में कि भाई समथिंग कुछ गड़बड़ हुई है और कैश नहीं है, तो उसने यहाँ के HDFC बैंक को बोला कि आप चेक करके आओ। उन्होंने जब चेक किया तो पैसा गायब था। ATM से कैश के धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने नीरज मिथुन भारत को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये लोग ATM में कैश डालने के बाद ATM का लॉक खुला छोड़ दिया करते और फिर थोड़ी देर बाद आकर ATM से कैश निकाल कर फरार हो जाते थे। पुलिस के मुताबिक देखिए ये लोग किस तरह से कैश का बंटवारा किए और पुलिस ने इनसे कितने रुपए बरामद किए। जब पुलिस मौके पर गई तो पुलिस ने जब देखा कि ना तो ATM टूटा हुआ था, ना कोई उसमें फोर्स एंट्री थी, ना कुछ भी नहीं था उसमें, तो हमें सीधा सीधा डाउट हुआ कि रात को जिन्होंने कैश जमा कराया था उनकी इसमें साजिश हो सकती है। तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन की टीम ने ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए उन बंदों को राउंड अप किया, उनसे 27 की पूछताछ की और कुछ चंद घंटों में ही 2-3 घंटों में उन्होंने इस वारदात को कबूल लिया। उन्होंने अपने 2 साथियों का नाम भी बताया इसमें और एक साथी दिल्ली का रहने वाला है जिसने उनको आइडिया दिया, क्योंकि 2 AC के साथ 2 AC काम करते हैं कैश डिपॉजिट कराने में, सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। अब तक 27 लाख की रिकवरी हो चुकी है, टोटल 36 लाख रुपये थे, बाकी को रिमांड पे लिया जाएगा। टोटल 36 ही और टोटल 36 लाख 94,000 और 27 लाख बरामद हो चुके हैं, बाकी भी आज रिमांड के लेने उपरांत बरामद कर लीजिए। तो सर कितने लोग शामिल थे इसमें? 3 लोग शामिल थे। क्या क्या नाम थे, कहाँ पे? फिलहाल पुलिस इन तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ कर रही है। ऐसे में अब देखना इस बात का होगा कि पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी कितनी और वारदातों का खुलासा करते हैं।